हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे किराना दुकानों पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सामान ऐसा होता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खराब दिखता है, और कुछ सामान ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होता है किराना दुकानों पर जो किराना दुकानदारों को वो उस चीज़ को डिब्बे में रखना पड़ता है। अब इस चीज़ को हम दुकानदार कैसे रखें, कौन से डिब्बे में रखें और कहाँ पर लगाएं ये चीज़ें, ये सामान, जैसे कि अभी जीरा हो गया, लोबान, कपूर, इलायची, ऐसे सामान जो हम दुकानदार ऐसे लगाएं ताकि देखने में अच्छी लगे, और जो हमारी दुकान की लुकिंग है ना, जो हमारी दुकान का डेकोरेट है ना, वो इस तरह से करें ताकि देखने में अच्छी लगे। क्योंकि गाइस किराना दुकानों पर ना ये सब चीज़ें ना रखने में दिक्कतें होती हैं। किराना दुकान का मेन किरदार होता है ना वो होता है दुकान का डेकोरेट करना, यानी कि दुकान की सजावटी करना, अच्छे तरीके से सामान को अच्छे तरीके से लगाना ताकि लोगों को लगे, यानी कस्टमर को लगे कि हाँ भाई ये दुकान बेहतर है, भले आपके पास सामान कम हो। आप अगर बात करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है और जो देखने में काफ़ी भद्दा दिखता है वो सामान कौन से होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताया जीरा, लौंग, कपूर, लोबान, ये सब चीज़ें ना आप डिब्बे में करके रखना पड़ता है। आप ये सब चीज़ें लगाएं कहाँ पर, यानी कि रखें कहाँ पर, है ना, और कैसे लगाएं और कौन से डिब्बे में लगाएं ताकि देखने में अच्छी लगे और जो हमारी दुकान की लुकिंग है ना वो प्रॉपर तरीके से अच्छी लगे और लोगों को हमारी दुकान देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखे, ताकि जो हमारी दुकान की लुक है ना, जो हमारी दुकान की सेल है ना, काफ़ी अच्छे से हो और हमें भी देखने में हमारी दुकान अच्छी लगे, है ना, कि हाँ कोई दुकान है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारी दुकान है, भले हमारे पास सामान कम हो लेकिन मैं अपनी दुकान को इस तरह से सजा के रखता हूँ, इस तरह से डेकोरेट करके रखता हूँ, यानी कि कस्टमर के दिलों में ये चीज़ें आ सके, कस्टमर के दिमाग में ये चीज़ें आ सके कि भाई भले वो छोटी दुकान है लेकिन वहाँ पे पूरा सामान मिलता है, और जो आपका सामान का लगाने का तरीका है ना वो अलग होना चाहिए भाई। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारा किराना शॉप जो कि मैं अपनी दुकान को इस तरह से सजा के रखता हूँ ताकि देखने में अच्छे लगे और लोग जो होते हैं ना हमारी दुकान पर अट्रैक्टिव हों, और जो हमारी दुकान की लुकिंग है ना इस तरह से है, और यही वजह है जो कस्टमर होते हैं ना हमारी दुकान पर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, हमारी दुकान पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। और जो दुकान की सजावटी है ना इस तरह से करनी चाहिए ताकि जो कस्टमर है ना आपकी दुकान पर आएँ, ताकि उनको वो चीज़ें दिखाई दे जो चीज़ें उनको चाहिए। अपनी दुकान की सजावटी इस तरह से करेंगे ना तो जो कस्टमर होते हैं ना, कस्टमर आपकी दुकान पर जरूरत अट्रैक्टिव होंगे, उनको वो चीज़ें मिल जाती है जो उनको चीज़ें चाहिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको दिखाई देता है तो उनको वो चीज़ें कहने में और बोलने में और लेने में आसानी होती है, और जो दुकानदार होता है ना उसको देने में भी आसानी होती है। अब अगर मैं आपको लेकर आता हूँ सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जो सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं किराना दुकान की, जो हम लोग को जो सामान होता है जैसे सौंफ, मगराइल और कपूर वगैरह, वो चीज़ें हम लोग किस तरह से रखें, उस चीज़ में करके रखें ताकि जो हमारी दुकान की लुकिंग है ना वो काफ़ी अच्छी हो और देखने में काफ़ी खूबसूरत हो। तो गाइस आगे चलते हैं। ये मैं इस तरह से यहाँ पे नीचे लगा के रखा हूँ। ये आपको यहाँ पे चावल, आटा वगैरह मिलेगा, दाल वगैरह, ये सोयाबीन, और तो आपको यहाँ पर साइड में मैं तेल के टीना यहाँ पर रखता हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है किराना दुकान पर, जो दुकान का जो लुकिंग होता है ना इसी वजह से ख़राब होती है दुकान की लुकिंग। अब वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं ये डिब्बा क्यों रखा हूँ मैं आपको बताने के लिए और समझाने के लिए मैं रखा हूँ, ताकि अब मैं आपको वो चीज़ें बता सकूँ जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम्स होती है, जिस चीज़ से आपको दिक्कतें होती है। अब वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारी दुकान की लुकिंग है, जो किराना दुकान का मेन हिस्सा होता है ना यही होता है। अगर आप इस तरह से इस डिब्बे को रखते हैं ना तो आपकी दुकान काफ़ी खूबसूरत दिखती है। अब ये आप देख सकते हैं, अगर आप किराना दुकान किए होंगे तो सेंटा फ्रूट और सेंटा फ्रेस हर दुकानों पर लोग रखते हैं, और इंडिया में आपको हर दुकान पर अवेलेबल होगा, चाहे गुमटी होगा या फिर बड़ा दुकान हो गया, हर कोई कि सेंटा फ्रूट और सेंटा फ्रूट जरूर रखता है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये गरीब बुरादा मैं इसमें रखा हूँ, और ये जीरा है, क्योंकि देखिए जीरा, गरीब बुरादा और काजू बादाम, किशमिश है ना, सौंफ, मंगरेल, ये सब चीज़ें पता है लोग एक ही किलो लेते हैं या डेढ़ किलो लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा क्योंकि अपने हिसाब से लेते हैं ताकि वो बिक सके। अगर ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो पता है क्या होता है, वो चीज़ें ख़राब होने लगती है तो दिक्कतें होती हैं, तो आपका एक किलो डेढ़ किलो इस डिब्बे में आ जाता है। आप कोई भी सामान उतना ही रखें जितना कि आपका सेल हो। आप एक बात करते हैं जो आपकी दुकान की लुकिंग है ना क्यों ख़राब होती है और किस कारण से ख़राब होती है। मैं ये डिब्बा यहाँ पर क्यों रखा हूँ आप देख सकते हैं, आप ये अब आपको इस डिब्बे में और ये डिब्बे में काफ़ी अंतर दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होगा, लेकिन आपको इस साइड में वो चीज़ें वो लुक नहीं दिख रही होगी। जो लुक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जो खूबसूरती आपको यहाँ पर दिख रही होगी, आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ भाई, देखिए कि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए भाई अगर आपकी छोटी दुकान है
तो आपके पास तुरंत इतना डिब्बा आ नहीं जाएगा। देखिए आप थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह से डिब्बा रखिए, देखिए सेंटा फ्रूट और सेंटा फ्रेश का, क्योंकि देखिए जो इसकी साइज होती है ना एक जैसी होती है, और डिब्बे की बात किया जाए जो इसका लुक है ना सेंटा फ्रेश का और सेंटा फ्रूट का, ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है और जो आपको हर किराना दुकान पर अवेलेबल होगा ये चीज़ें। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपके दुकान पर इतना सारा डिब्बा नहीं है ना, तो आप जैसे कि सेंटा फ्रूट और सेंटा फ्रेश लाते हैं ना, तो जैसे जैसे डिब्बा खाली होते जाए ना वैसे वैसे आपको ये सामान आपको एडजस्ट करके रखना है ये डिब्बे में। और जो जो लोग गलती कर जो लोग गलतियाँ करते हैं ना कि डिब्बे पर लिख देते हैं, अब कोई भी सामान हो गया जैसे ये सौंफ हो गया, अभी सौंफ ये लोग क्या करते हैं, अभी सौंफ लोग क्या करते हैं पता है, इस डिब्बे में सामने लिख देते हैं कि ये सामान इतने का है इतने में देना होगा, तो ये चीज़ें गलती करते हैं। इस तरह से आपको डिब्बा रखना होगा सेंटा फ्रूट या सेंटा फ्रेश का, और इस तरह से आपको एक कार्ड बनाना होगा जो कि कमला पसंद का आता है, इस तरह से आप बनाएंगे ना और ये चीज़ें आप इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता होगी तो आप डिब्बा जब भी खोलेंगे ना तो आपको रेट मालूम पड़ जाएगा कि ये सामान कितना देना है और कितने रुपये में देना है ना। देखिए जो दुकान का लुक है ना, जो दुकान का लुकिंग जो ख़राब होती है ना इसी वजह से ख़राब होती है। अगर आप इस चीज़ को सही तरीके से अगर आप रखेंगे या लगाएंगे ना तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगी आपकी दुकान और दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए आप यहाँ पे ये डिब्बा जो कि ये सेंटा फ्रूट और सेंटा फ्रेश का डिब्बा है, बट गैस ये जो इसका बैनर है ना ये निकल चुका है इसलिए भद्दा दिख रहा है ना। और मैं खास करके ये डिब्बा यहाँ पर रखा हूँ ताकि मैं आपको वो चीज़ें दिखा सकूँ और वो लुक बता सकूँ कि जो लोग इससे आती है ना ये डिब्बे में है ना वो लुक आपको यहाँ पर ये डिब्बे में नहीं मिलेगा है ना। तो अगर आपके पास छोटी दुकान है तो कोई बात नहीं, आप जैसे कि सेंटा फ्रेश जब भी लाते हैं ना तो जिस तरह से डिब्बा खाली होते जाए उस तरह से आप ये सामान लगाते जाएं। और जो प्रोडक्ट जो सामान जो रेट होता है ना आपको डिब्बा में कभी भी नहीं लिखना है, जैसे कि मैं आपको अभी बताया मैं किस तरह से कार्ड बना के रखा हूँ जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखती है। अब ये सबसे खास की बात कि देखिए आप लोगों के अंदर ये होता है भाई कि हमारा डिब्बा पुराना होता जा रहा है, दिखने में काफ़ी ख़राब दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो कि देखिए जो सेंटा फ्रूट और सेंटा फ्रेश का डिब्बा है ना ऐसा था ही नहीं कि आप एक ही बार में लाएंगे एक ही बार ला के बेचेंगे है ना। अब देखिए आपको ये डिब्बा ना जो आपका सामान है और जिस जो सामान आप डिब्बे में रखे हैं ना, देखिए आपका ये डिब्बा पुराना भी नहीं हो पाएगा। जब भी आप सेंटा फ्रेश लाए ना जब ये डिब्बा पुराना होने लगे तब आप उस नए डिब्बे में इस चीज़ को रख लीजिएगा, आप नए डिब्बे में कर सकते हैं। और जो पुराना डिब्बा है ना आप 10 रुपये में सेल भी कर सकते हैं है ना, ये सेल भी हो जाता है ना। सबसे अच्छी बात ये होती है ये सेल भी होती है। जो ये डिब्बा है ना ये डिब्बा आपका पुराना भी नहीं होगा है ना, अगर पुराना हो भी जाएगा अगर आप चेंज कर देंगे फिर नया हो जाएगा है ना, क्योंकि कस्टमर 10 रुपये में आराम से ले लेते हैं। अगर बाई चांस ये डिब्बा अगर आपके यहाँ नहीं बिकता है ना तो अगर आप भंगार में देंगे ना तो 12 रुपये केजी बिकता है ये डिब्बा है ना। तो इस तरह से भाई ये सौंफ मंगरेल काजू बादाम किशमिश ये सब अगर आपके पास है ना आपके यहाँ सेल होता है और जीरा वगैरह, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें किराना दुकान पर अक्सर सेल होती है, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना इस चीज़ को ट्राई करेंगे ना और इस तरह से लगाएंगे ना और जो आपकी दुकान का लुक है ना वो काफ़ी अच्छा होगा और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखेगा जैसे कि मैं लगाया हूँ है ना। मैं आपको बस समझाने के लिए और बताने के लिए मैं आप यहाँ पर लगा दिया है ना, तो वैसे आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा लुकिंग आ रही है हमारी दुकान की और कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। अब लोगों को देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखेगी आपकी दुकान और काफ़ी प्रोफेशनल दिखेगा। तो मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता था और ये चीज़ें समझाना चाहता था, जो भाई के अंदर ये डाउट थी है ना ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि आप इस तरह से अपनी दुकान की जो सजावटी है इस तरह से करें और जो आपकी दुकान की लुकिंग है ना जो आपकी दुकान की जो लुक बढ़ाता है और आप अपनी दुकान की सजावटी इस तरह से रखें इस तरह से करें ताकि देखने में अच्छी लगे और कस्टमर को चीज़ें मिल सके जो उनको चाहिए है ना, उनको वो चीज़ें दिखाई दे जो उनको जरूरत की चीज़ें चाहिए उनको उन्हें। तो आप गाइस इस तरह से लगा सकते हैं इस तरह सजावटी कर सकते हैं तो जिस तरह से मैंने करके रखा है। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से मेरे बताइए जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।